गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वे उपाय जिसे आप 14 अक्टूबर सोमवारी एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं की बात इस वीडियो में करेंगे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। सब जगह आप भटक लिए, सारी दुनिया में आप जाकर बोल आए, सबके पास आपने हाथ जोड़ लिए, पर आपका कहीं पर भी काम नहीं बन रहा है। तो आपको एक प्रयास करना है, एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना है, सबसे पहले एक कलश जल अर्पित करना है। एक कलश जल अर्पित करने के बाद आपको तीनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा आप 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। महादेव आपका हाथ जरूर थामेंगे, आप प्रयत्न करेंगे, आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी और आपका जो कार्य अटका हुआ है, जिसके लिए आप सब जगह भटक रहे थे, वह आपको पूर्ण होता हुआ अवश्य नजर आएगा। गुरु जी का बताया विशेष उपाय आप इस पापांकुश एकादशी के अवसर पर 14 अक्टूबर के विशेष सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरु जी का बताया एक और विशेष उपाय, अगर गर्भ में बच्चा है जिसकी धड़कन नहीं है, शरीर पूरा नहीं बन पा रहा है या फिर स्वस्थ नहीं है, तो डॉक्टर ने उसे हटाने तक को कह दिया है, तो एक सरल और आसान उपाय करना है। 7 बेलपत्र लेना है, 7 कोई भी पुष्प लेना है। हमने कनेर के पुष्प लिया है जो आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र अर्पित करना है, इसके बाद एक पुष्प अर्पित करना है। ऐसा आपको 7 बेलपत्र और 7 पुष्प के साथ करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र और एक पुष्प को प्राप्त करके अपने घर पर आ जाना है। 15 दिन बाद आपको जाँच के लिए जाना है और वह बच्चा जो ठीक नहीं है वह स्वस्थ रहेगा। श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करने से 33 कोटि देवी देवताओं का भाव होता है। काफ़ी विशेष उपाय है, इसे आप एक बार अवश्य कीजिएगा। एक बेलपत्र जो आप वापस प्राप्त करके ला रहे हैं, जो पुष्प प्राप्त करके वापस ला रहे हैं, उसे आप अपने घर की किसी पुस्तिका में रख सकते हैं, रामायण चालीसा आरती संग्रह किसी भी पुस्तिका में रख सकते हैं और 15 दिन बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष उपाय जिसे आप प्रदोष की विशेष तिथि में कर सकते हैं, तो यह उपाय आप 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक भी दिन करेंगे तो भी काफ़ी अच्छी बात है। गुरु जी ने कहा है श्रम्भेश्वर महादेव वे महादेव हैं जिनका अगर आप स्मरण मात्र कर लेते हैं तो उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का भाव निहित होता है। अगर किस्मत बेकार चल रही है, ग्रह दशा बेकार चल रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको 7 कनेर के पुष्प लेना है और एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र के ऊपर आपको 7 कनेर के पुष्प रखना है और सबसे पहले आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस कनेर के पुष्प, जो आपने 7 कनेर के पुष्प को एक बेलपत्र के ऊपर रखा है, इसे माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो। गुरु जी ने कहा इसके बाद आपको 5 बार नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जो आप बोल सकते हैं वह बोलना है और बेलपत्र जो आपने एक अर्पित की थी उसे वापस प्राप्त करके घर आ जाना है। उस बेलपत्र को आपको अपने घर की ही किसी पुस्तिका, पूजन की हो, आरती संग्रह हो, रामायण हो, जो भी आपके घर में भगवान की पुस्तिका है उसमें उस बेलपत्र को रख देना है। जितने आप सोमवार या प्रदोष यह उपाय करते जाएंगे उतनी बेलपत्र आपको अपने उस पुस्तिका में रखते जाना है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। आप जो प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और जीवन में आप उन्नति ही करते चले आएंगे। वीडियो में बताए गए तीनों उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।